लाखों अरमान करते हैं दिल में ही टूट जाते हैं, द्वारका वही आते हैं जिन्हें। सोमनाथ मंदिर से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी है 237 किलोमीटर की। आप सोमनाथ से द्वारका के लिए ट्रैवल करते हैं तो वेरावल पोरबंदर हाईवे पर तकरीबन 74 किलोमीटर की दूरी पर नजर आएगा आपको ये माधवपुर बीच। हम अभी जा रहे हैं बेट द्वारका। द्वारका से बेट द्वारका बाय रोड दूरी है 34 किलोमीटर और वहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए बोट से जाना होगा जिसका किराया है 30 रुपये। ये दूरी तय करने में आपको लगेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर मार्च या दिसंबर मंथ में यहाँ पे आते हैं तो आपको नज़र आ जाएंगे ये खूबसूरत पक्षी जिन्हें शायद चीकुल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतने तेज होते हैं कि आप अगर बिस्किट्स को हवा में ऊपर की तरफ उड़ाएंगे तो वो नीचे ज़मीन पे गिरे उससे पहले ही अपने मुंह में लपेट लेते हैं। तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी जो कि एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और प्रेम के प्रतीक के साथ साथ ये कान्हा जी की प्रिय सखियों में से भी एक थी। बेट द्वारका से श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी है 22 किलोमीटर की। तकरीबन 85 फीट ऊंची इस शिवजी की प्रतिमा का निर्माण टी सीरीज के निर्माता स्वर्गस्थ श्री गुलशन कुमार ने करवाया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से श्री द्वारकाधीश मंदिर की दूरी है 17 किलोमीटर की। द्वारका आने का प्रोग्राम बना रहा था लेकिन एंड वक्त पे कुछ न कुछ बाधा आ जाती है, इसीलिए तो कहते हैं लाखों अरमान करते हैं दिल में ही टूट जाते हैं, द्वारका वही आते हैं जिन्हें। लगभग 37 फीट ऊंचे शिखर वाले इस द्वारकाधीश मंदिर के निर्माण में लगे हैं 60 स्तंभ। आम दिनों में तो द्वारकाधीश के इस मंदिर में तकरीबन 10 से 20 हज़ार की भीड़ रहती है लेकिन जब जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण उत्सव हो तब ये 2 से 4 गुना बढ़कर 70 से 80 हज़ार तक हो जाती है। यह है द्वारका की बाजार। यहाँ पे आप बच्चों के लिए खिलौने, यहाँ पे अपनी जरूरियात के हिसाब से और भी चीज़ों की खरीदी कर सकते हैं वो भी एकदम वाजिबी दामों पर। इसी द्वार से सुदामा जी ने श्री कृष्ण के दरबार में प्रवेश किया था और अपने कष्टों से मुक्ति पाई थी, इसीलिए शायद इस द्वार को मुक्ति द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वार से आने वाले श्रद्धालु में से कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ वापस नहीं जाता। ठीक इसी द्वार के सामने ही है द्वारकाधीश मंदिर का ये गोमती घाट। जब मैं सुबह तकरीबन 9 बजे यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी और ठीक जब 2 घंटे बाद तकरीबन 11 बजे मैं वापस यहाँ पर आया तो यहाँ पर पानी इतना भर चुका था कि आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। सुना है यहाँ पर कुछ समंदर देवता दिन में 2 बार द्वारकाधीश के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं। तिथि के अनुसार यहाँ पर दिन में 2 बार पानी की भर्ती होती है, 2 बार पानी की ओट आती है। यह है गोमती घाट। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सुदामा।
द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये रुक्मिणी देवी जी का मंदिर। आप अगर द्वारिका से बाय ट्रेन सोमनाथ आना चाहते हैं तो आपको रात को 20:50 को द्वारिका से ट्रेन मिल जाएगी जो सुबह 5:15 को छोड़ती है सोमनाथ मंदिर। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कर दीजिए इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।